ले लिए हैं। सभी दीदी और सर को मेरा नमस्ते। मेरा नाम ज्योति है, मैं ब्लॉक कोतवाली से और मेरे ग्राम का नाम नूर अलीपुर भगवान। मेरा नमस्ते और सर को भी। मेरा नाम प्रेमवती है, मैं कोतवाली ब्लॉक से आई हूँ और मेरे समूह का नाम काना समूह है। सभी दीदी और सर को मेरा नमस्ते। मेरा नाम उमेश चौहान है, मैं कोतवाली ब्लॉक से आई हूँ और मेरे समूह का नाम ज्योति संसार। सभी दीदियों को नमस्ते, सर को नमस्ते। मेरा नाम वीना देवी है, गांव का नाम पालनपुर, तहसील दारपुर, जिला बिजनौर, ब्लॉक सुवारा। मैं लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और मेरे संगठन का नाम नारिश गिरी। अगर हम यहाँ कहीं गैप करते हैं, अगर कुछ नहीं आती है समझ, 10 बार पूछिए, निसंकोच पूछिए। आप यहाँ पूछिए, बाहर जहाँ भी आपको अच्छा लगे पूछिएगा। जितना अच्छा आप यहाँ से सीख लेंगे उतना अच्छा आप अपने फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसी से आपकी सेलरी बनना है। तो ये आपसे एक मेरा अनुरोध है कि अच्छे से अच्छा सीखने की कोशिश करिएगा। थैंक यू। अभी जैसे महेश जी ने बताया तो आपको ना ये चार सर ने बताया कि 4 दिन आप यहाँ काट रहे, तो यहाँ मतलब बोझ बन के बिल्कुल इंजॉय करो उस ट्रेनिंग को। आप जितना खुले ओपन माइंड से आप सीखोगे सीख जाओगे, और थोड़ा बोझ मान के करोगे तो नहीं सीख पाओगे। आजीविका सखी मतलब आपको वो आजीविका का कार्यक्रम अपने गांव में कराना है। अब उसके लिए हमने आपको वो कृषि सखी, पशु सखी, इन दोनों का दोनों की ही ट्रेनिंग देंगे इसमें। मतलब आप खेती का भी और पशुओं का भी। तो उसका जो पूरा एक निष्कर्ष है, इतने आपने यहाँ पे भी देखा होगा, ये लिखा हुआ है कृषि पशु एवं फार्म आजीविका। तो ये कॉम्बिनेशन है, मतलब एक दोनों का जुड़ाव करके कर दिया है हमने। आजीविका सखी क्या क्या कार्य करेगी, जो आप रोजाना काम करते हैं, सभी महिलाएं मेरे ख्याल से बहुत ही कम ऐसी होंगी जो खेती ना करती हैं, जिनके यहाँ गाय भैंस ना हो, बहुत ही 2-4 ही ऐसी होंगी जिनके यहाँ नहीं हों। हम लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, बेसिकली हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको कम जगह पे ज़्यादा पैदावार करनी है, ठीक है, और कौन सी नई चीज़ें ऐसी कर सकें हम लोग जिससे कि आप लोगों का आजीविका भी बढ़ सके। आपको ये बात रखनी पड़ेगी अपने कि हम लोग आजीविका सखी हैं, हम लोग इस चीज़ की ट्रेनिंग लेके आए हैं, तो आप हमें सहयोग करें, हम आपको तो आपके गांव विकास करें। ये हमारी दीदी का बनाया हुआ चार्ट है, जिसमें ये सबसे पहले हमारी दीदी ने बोरी बगीचा बनाया है और इसी के साथ पोषण वाटिका बनाई है, और ये है तीसरे नंबर पर रसोई वाटिका। ये तीनों हमारे किचन गार्डन के ही हिस्से हैं। यदि हमारे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है सब्जी उगाने के लिए, तो हम अपनी जो हमारे पास छोटी आपका खेत में जैसे बाड़ा है या आपके पशु बांधने की जगह है, उन सब में हम इसे, या आपका घर बड़ा है तो ये बोरी बगीचा और आपका जो रसोई वाटिका है, रसोई वाटिका में आपका जैसे आप गमला है या आपकी टूटी फूटी बाल्टी है या सीमेंट के गट्टे वगैरह हैं, इसमें आप अपने मिट्टी और खाद भर के इसमें आप मिर्ची और आपकी जो है बेल वाली सब्जी जैसे तोरी है, सेम है, या वो लौकी भी लगा सकते हैं, कद्दू भी लगा सकते हैं, और इसमें आप और ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं, धनिया भी लगा सकते हैं, जैसे थोड़ी मात्रा में काम होता है, ये सब हम अपनी इसमें किचन जो गार्डन है इसमें लगा सकते हैं। इसी के साथ हमारी है प्रेरणा पोषण वाटिका, ये हमारी ज़्यादा जगह में होती है, इसमें हमें कम से कम 30x30 की जगह चाहिए और
इसकी जो बनाने की विधि है वो हमारी 15 फीट का हमारा जो फीता होता है उसकी नाप होती है। हमारी जो दीदी है वो एक सिरे से फीता पकड़ती है और दूसरे सिरे पर दूसरी दीदी खड़ी होती है। उसमें जो है हमारा जो है जो सबसे पहला गोला बनता है वो हमारा 15 फीट में बनता है। प्रेरणा पोषण। अच्छा, इसको बनाया क्यों जाता है ये बता दीजिए। अब कोई एक दिन में मनुष्य को अगर स्वस्थ रहना है तो कम से कम 4-5 तरह का भोजन करना चाहिए। अलग अलग सब्जियां, अलग अलग चावल, रोटी, ठीक है। और अगर हमारे घर पे ये बनी है तो 4-5 तरह की सब्जियां हम आराम से पैदा कर सकते हैं। नहीं कर सकते? खाने गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मतलब 14 तरह की सब्जियां आराम से पैदा हो सकती है। नहीं हो सकती? यस सर। तो इस करते हैं थोड़ा सा। अगर कोई जानवर दूध नहीं दे रहा है तो उसके शरीर के रखरखाव के लिए 1.5 किलो दाना आपको तब भी देना चाहिए भले ही वो एक बूंद दूध ना दे रहा हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि जब ब्याह उसके बच्चा ब्याहने से पहले 2 महीने पहले हमें उसका दूध लेना छोड़ देना चाहिए। अब वो भी हम धीरे धीरे कम करें। अचानक हम किसी काम को छोड़ देते हैं तो चाहे हम अपना खाने का हो, चाहे पहनने का हो, चाहे किसी का हो, तो उसमें दिक्कत पैदा होती है। ऐसे ही पशु के साथ भी अगर हम उसका दूध लेना छोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे उसको आदत में लाएं कि हम और 2 महीने पहले उसका बिल्कुल दूध नहीं लेना छोड़ दें, ताकि अगले दिनांक के लिए उसके शरीर में उतनी शक्ति आ जाए कि ताकि सही से दूध दे सके और फिर समय पे भी दोबारा से भी समय पे कंसीव कर जाए, गाभिन हो जाए। अब जो पशु दूध दे रहा है हमें क्या है वो दूध में बना रहे इसके लिए भी हमें बहुत मतलब दिमाग से उसके उसकी फीडिंग करनी पड़ती है, खिलाना पड़ता है। अब जो खिलाने का फार्मूला है उसका भी थंब रूल ये है कि 1.5 किलो तो मैंने बताया आप लोगों को उसके शरीर का रखरखाव के लिए, चाहे दूध दे रहा नहीं, 1.5 किलो तो सबको देना ही देना है। अब दूध वाले जानवर को आपको 300 ग्राम प्रति लीटर दूध दाना अलग से देना है। अगर आपका 10 लीटर दूध दे रहा है तो यानी कि हो गया 3 किलो, तो 3 + 1.5, 4.5 किलो दाना आपको उसको खिलाना है। जाकर के अपने गांव में ही करना है, सबसे पहले अपने घर में करेंगे। जब घर में करेंगे तो पड़ोस वाले जो समूह में दीदी जुड़ी हुई है ना, तो ऑटोमेटिक बोल देंगे कि दीदी हमारा भी हेल्प करवा दीजिए, हमें भी एक बनवा दीजिए, है ना। तो इस तरह पूरे गाँव में हो जाएंगे, पूरे ब्लॉक में हो जाएंगे, है ना। अभी आप यहाँ से सीख करके जा रही हैं, फिर आपको उन्हें टारगेट भी दिया जाएगा कि दीदी आपको उन्हें इतने पोषण वाष्य बनाना है, इतने बर्मी कंपोस्ट बनाना है, इतने नाडे बनाना है ना। तो आप उसमें खड़े उतरें, क्योंकि यहाँ से आप सीख करके गई हैं ना, अब आप मास्टर ट्रेनर हैं।